We can see the arrival of the Honorable Prime Minister being greeted there in the traditional manner. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, नादस्वरम और दोलू वाद्य यंत्रों द्वारा मंगल ध्वनि से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। विधिवत भूमि पूजन के लिए बहुत ही सुंदर मंडप सजाया गया है। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में भाग लेंगे, नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे, शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे और फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर उनका संबोधन भी होगा। भारत की परंपरा है शुभ कार्य का आरंभ रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश वंदना से होता है। संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की जाएगी। सर्व धर्म प्रार्थना के लिए इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। हस्तौ प्रक्षाल्या अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु येन बद्धो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीमहागणपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतेवसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः करिष्यमानस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः इदानीं संकल्पः अर्थं पुष्पाक्ष राष्ट्र विरोधिनां निबरहण द्वारा जनानां चित्त शांति चित्त स्थैर्य संगोष्ठा अभिवृद्ध्यर्थं नरेन्द्र दामोदर दास एतद्देश अहम् एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां परस्पर निन्दवेषां सज्जनानां साधीनां योगक्षेमार्थं निवृत्त्यर्थं राष्ट्र विरोधिनां सौमनस्य निवारण द्वारा सिद्ध्यर्थं जनानां एतद्देश चित्त शांति परिपालन समये चित्त स्थैर्य मुख्यामात्य संतोषादि महोदयेन अभिवृद्ध्यर्थं सचिवादि एतद्देश योग्य निर्णय
परस्पर विद्वेषार परस्पर निंदा अभिवृद्धिर्थं हिंसादीनां एतद्राष्ट्र निवृत्त्यर्थं परिपालनाभूत सौमनस्य कार्यालय सिद्ध्यर्थं भवन एतद् देश परिपालन समये निर्विघ्नेन मुख्यामा समाप्त्यर्थं महोदयेन आदित्यादीनां नवानां सचिवादिभिश्च योग्य निर्णयार्थं स्वीकरणादिद्वारा प्रार्थनं भूदेव देश प्रार्थना अभिवृद्ध्यर्थं अनंत कूर्म एतद्राष्ट्र देवता परिपालनांग इंद्रादि दिक्पालक कार्यालय प्रार्थना भवन संकल्प निर्माण सकल कार्यस्य निर्विघ्नेन सिद्ध्यर्थं परिसमाप्त्यर्थं महागणपति आदित्यादीनां पुरस्सरं नवानां संग्रहाणां निर्मूलता सिद्ध्यर्थं आधारशिला स्थापनं भूदेवता प्रार्थनं करिष्ये अनंत कूर्म वराह देवता प्रार्थनं इंद्रादि दिक्पालक देवता प्रार्थनं संकल्पिता सकल कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति संसद भवन निर्माणांग आधारशिला स्थापनास्तु लक्ष्मीपतिजनाभ्यां प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्वरैरपि सर्व विघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम् नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणपतये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि क्षेत्रस्य पतिना वयगम हित अभी नया संसद भवन के निर्माण हेतु सभी कार्य निर्विघ्न से संपन्न हो इसलिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले प्रार्थना की गई है। सुबह से हमने पूजा सब कुछ किया हुआ था। अब इसके उपरांत क्षेत्रपाल की प्रार्थना करके उसके बाद भूमाता की प्रार्थना करेंगे, उसके उपरांत अनंत रूपी आदिशेष की पूजा करेंगे, तदुपरांत कूर्म और वराह रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे, नवग्रह की प्रार्थना करके नवरत्न से भरा आधार शिला की स्थापना की जाएगी, उसके बाद में नवधान्य नवरत्न और पंचधातु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे, उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा, सबसे अंतिम में आधार शिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा। अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे। क्षेत्रस्य पतिना भजगुं हितेने भजयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडाते दृशे क्षेत्रपालाय नमः सूर्य शौर्य मथेन्दुरिन्द्र पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रशुभं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरं सततं सर्वेऽनुकूलाग्रहाः आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रैरिपुभयशमनं भार्गवशौर्यमार्गिः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेऽस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्
नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः इंद्राद्यष्ट दिक्पालकेभ्यो नमः श्यामां विचित्रां शुकरत्नभूषणां पद्मासनां तुंगपयोधरानतां इन्दीवरेद्वे नवशालिमञ्जरीं शुकं दधानां स्वसुराभुजगामहे वरांकुशोपाशमभीष्टिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेहमम्बां जगदीश्वरीं तां महेद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् पिप्रतान्नोपरीमभिः धनुर्धराजै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् भूदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि खननार्थमनुज्ञां देहि ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय हुंफट श्लीं पशु हुंफट पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा अनन्तः सर्वनागानामधिपो विश्वपालनः सहस्रफण संयुक्तः करोतु मम मङ्गलम् नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनन्ताय नमः निजपृष्ठपरिश्रान्तमन्तरग्रावकोटिभिः कण्डोति सुख सुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य पागुं सुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः आस्ते मुक्ता सकलवत्सलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धारुतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावर जङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् आधारशिलास्थापनलग्नकाले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारा बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवपदं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठिततमया वाचाशं स्तव्यं तस्माद्यद्यपि दूरैव पशून् लभते गृहमेवैनानाधिगमिषति ग्रहा हि पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नर्य प्रजां मे गोपाया अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् आधारशिलास्थापनमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मि विद्यानुगृह्णन्तु सुमुहूर्त
ओषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि पर्वत इवा विचाचलेः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्र एण मदीधरत ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेवासनधारिका देवाज्ञया त्वया देवि स्थातव्यमिह सर्वदा स्थितं चराचरं यस्यां रत्नानां निधिरव्ययः सा त्वं ब्रह्मशिलारूपां तिष्ठात्र धरणी स्थिरा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी तावत्त्वयात्र देवेशि स्थातव्यं हितकाम्यया आधारशिलायै नमः आधारशिलास्थापन भूदेवतादि पूजनेन श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ॐ तत्सत् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यङ्करवावहै तेजस्विधावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुए शिलान्यास पूजन के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति संसदीय कार्य मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भूमि पूजन सामग्री अर्पित करेंगे। प्रजा भद्रे काश्यपदायादे प्रजानां भद्रमावह जये भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह पूर्णे भार्गवदायादे पूर्णकामां प्रजां कुरु मान्यवर हमारे देश की लोकतंत्र की परंपराएं त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेव आसनधारिका देवाज्ञया त्वया देवि स्थातव्यमिह सर्वदा Ladies and gentlemen, the auspicious ceremony of laying of foundation stone has been concluded, and now Honorable Prime Minister is proceeding to unveil the plaque. माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास संपन्न हो गया है अब प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करेंगे
मान्यवर, हमारे देश में लोकतंत्र की परंपराएं इस पुण्य भूमि पर हमारे यशस्वी पूर्वजों की हजारों वर्ष पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, निरंतर समृद्ध और मजबूत हो रही हैं। वैदिक ऋषि कामना करते हैं, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। माननीय प्रधानमंत्री जी, पट्टिका का अनावरण करने के लिए जाते हुए और प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष समेत विशिष्ट अतिथिगण भी पट्टिका अनावरण में प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है, भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। किसी राष्ट्र के इतिहास में कुछ अवसर मील पत्थर जैसे होते हैं, जब राष्ट्र अपनी गौरवमय यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है और गर्व तथा विश्वास के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम रखता है। आज संसद के नए भवन की इमारत का शिलान्यास भी ऐसा ही एक कदम है। और आज का भारत तो युवा ऊर्जा से उज्ज्वलित अपने सपनों को पूरा करने की स्वच्छंद आकांक्षाओं के आसमान में परवाज को अधीर है। आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। नई इमारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव के अनुरूप ही होगी। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतम्, यानी कुछ नया होने से, स्थान या स्वरूप के परिवर्तित होने से भी परंपराओं की ही श्रीवृद्धि होती है। इन मायनों में बहुत पावन है आज का ये अवसर। Ladies and gentlemen, on this historic occasion, we extend gracious welcome to eminent guests on the dais. We welcome Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla, Cabinet Minister for Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Venkatesh Joshi, Leader of Opposition, Rajya Sabha, Shri Ghulam Nabi Azad, Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh, Minister of State for Housing and Urban Affairs, Independent Charge, Shri Hardeep Singh Puri, and we warmly welcome Council of Ministers of Union Government, Governors, Lieutenant Governors, Chief Ministers and Administrators of States and Union Territories, Speakers and Deputy Speakers of State Assemblies, Chairpersons and Deputy Chairpersons of State Councils, Members and Ex-Members of Parliament, MLAs of State Assemblies, Speakers of the Parliaments of all the countries of the world, Heads of Foreign Missions, Heads of Indian Missions Abroad, our esteemed guests and dignitaries, leaders and representatives from all the parties and all the countrymen who are joining us either physically or via virtual mode and witnessing this glorious occasion. Manivar, anekta mein ekta Bharat ki taakat hai. Vishw mein aisa koi desh nahi hai jahan itne dharmon ke log ek saath sauhard se rehte hon. Aaj ke is pavan afsar par Bodh, Jain, Sikh, Bahai, Islam, यहूदी, पारसी और हिंदू धर्मों के धर्मगुरु अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से आइए लेते हैं इन धर्मगुरुओं का आशीर्वाद। Namo Bole Ge Ko Namo
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्यसंविद्धासा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्यसंविद्धासा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्यसंविद्धासा ओम नमो भगवते अपरिमिता अयुर्ज्ञाना संविनिचिता तेंजोरंजया तदंगताय अरहते सम्यसंविदाया तेता ओम पुनाये पुनाये महापुनाये अपरिमिता पुनाये अपरिमिता पुनाये अज्ञाना संवर्व सिद्धे ओम सर्वसंकर परिसिंधि धर्मत गगना समिगत सोमवा विशुद्धि महानय परिवारे ये सोहा ओम नमो भगवते भिगजे गुरु मिंदुरया परमरंजया तदंगताय अरहते सम्यसंविदाया तेता भिगजे भिगजे महाभिगजे भिगजे रंज समिगते ये सोहा ओम ये धर्मा ये तुपमा हे तुंदे खेन्दंगत हे वदे दे खेन्दयो निरुन एवं मति महाशर्मा न ये सोहा महाशर्मा महाशर्मा न ये सोहा जितेया बे जागा प्रभु येसु ने कहा, तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की समर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। Then in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed, Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below. You keep your covenant with your people and show them your love when they live in wholehearted obedience to you. You have kept the promise you made to my father David. Today, every word has been fulfilled. And now, Lord God of Israel, I pray that you will also keep the other promises you made to my father when you told him that there would always be one of his descendants ruling as king of Israel, provided they obey. वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। बना में खुदाओ बनाओ में आजाद बख्शाओ यंदे बख्शाओ यजगर मेहरबान
रजिस्तयाओ चिस्तयाओ मस्त धातयाओ शौनियाओ धैनयाओ वंगोयाओ मस्त यस्नोएंस दिन बेराओ सुआदराओ के खुदाई बरखलाओ फरिश्ता दे इन हाउस के जर्तोस अवर दे हाउस दिन दिन जर्तोस दिने और मजदाओ दादे जर्तोस पीतमाउन शोने अशेम वहु वैस्ते मस्ते उस्ता अस्ते उस्ता हमाई याद अशाय वैस्ता हो यशेम बहाई प्रार्थना हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर अपने सेवकों के हृदय को मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके इस योग्य उन्हें बना हे परमेश्वर उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर हे प्रभु उन्हें केवल उनके अपने ऊपर ही ना छोड़ उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर दे सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है बहावला Prayer from Judaism. Mizmor shir, Mizmor shir Hanukkah. Habayit le David aromim ka Adonai ki dilitani velosi matap oy baili Adonai Elohai siwati elekap vatirfa eni Adonai Elita Minshe Onabshi Hitani Miyar Dibor Zamerula Adonai Hasida Vehodo Lezeker Kocho Kirega Beafo Haim Birsono Bairem Yalin Beki Velabo Kerina Vani Amarti Beshalvi Bal Emot Leolam Adonai, Bisona Kahe Madata Liharios, Istarta Paneka, Haiti Nibal, Eleka Adonai Ekrap, Vet Adonai Ethanan, Mabesa Bedamip, Beritiet Shahad, Hayodaka Afar. Ayagit amiteka shema Adonai vehoneni Adonai heye ozerli afakta mispedip le maholali pitata sakki vate azereni simka le man ezmerka kabot velo idom Adonai lohai leulam odeka Psalm 23 The Lord is my shepherd I shall not want He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because God is with me. Thy rod, thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المفوض له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Shabad from Guru Granth Sahib Ji Suhi Mahalla Panjwa Sukh Mahal Jaake Unch Duare Ta Mehwaase Bhagat Pyare Sukh Mahal Jaake Unch Duare Ta Mehwaase Bhagat Pyare सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहु नेत्रों दिठी रहाओ तह गीत नाद अखारे संगा उहां संत करे हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हर खा साच नाम की अमृत वर्खा तेह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी गोज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के शुभारंभ पर भगवान महावीर की वाणी में जैन प्रार्थना नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावप्पनासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो चत्तारी परम मंगाणी दुल्लहाणी अजंतुणो मानुसत्तम सुई सद्धा संयमम्मी अवीरियम कम्मुणो बम्मुणो होई कम्मुणा होई खत्तियो वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा भगवान महावीर कहते हैं धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है
अहिंसा संयम और तप उसके लक्षण है। जो इस धर्म में रत रहता है देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और धर्म का श्रवण, उस पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है। हे मानव तू श्रेष्ठ कर्म कर। ओम शांति शांति शांति। नमो जिडाणम। नए संसद भवन के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर प्राकृत भाषा में गाथा के साथ ही जैन प्रार्थना, संस्कृत भाषा मंगलाष्टक एवं महावीराष्टक स्तोत्र। हे ससुरासुर मणु सिंध वंदीदम धोधे घाई कम्मलम परमामि वठ माडम तीर्थम धम्मस्य कातारम अरिहंतो भगवंत इंद्र महिताः सीधाश सीधीश्वराः आचार्य जिन शासनोन्नति कराः पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि बराह रत्नत्रयाराध का पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुरुवन्तु ते मंगलम् कुरुवन्तु ते मंगलम् यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाशिदचितः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। सतनाम श्री वाहे गुरु सतगुरु तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे तिर कर बैसो हर जन प्यारे तिर कर बैसो हर जन प्यारे तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे
काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह सब वस कर दीने, बादशाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो निरपो होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथर्ववेद भूमि सूक्तस्य केशांचन मंत्राणां पाठः। हरिः ओम। सत्यं बृहदृतम् उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः, पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरुं लोकं पृथ्वीनः कृणोतु। गिरयस्ते पर्वताः हिमवन्तोरण्यं ते पृथ्वीस्यो नमस्तु। बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां, ध्रुवां भूमिं
पृथ्वीमिन्द्रगुप्ताम् अजीते हतो अक्षतोऽध्यष्टाम् पृथ्वीमहम् माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः केषाञ्चन श्लोकानां पाठः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरे जनाः श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशु च ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 इस पावन अवसर पर विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के बाद अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी से सविनय निवेदन करती हूं कि विशिष्ट अतिथिगण के स्वागत हेतु स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें लेडीज एंड जेंटलमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंडिपेंडेंट चार्ज टू प्रेजेंट द वेलकम एड्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय सभापति महोदय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी श्री प्रहलाद जोशी जी माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा श्री हरिवंश जी एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके करकमलों द्वारा जो आज हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा है ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं विश्व में लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाएगा जब भी डेमोक्रेसी की चर्चा होती है और जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है उसमें इस बात की जानकारी शायद कम है कि गणतंत्र और लोकतंत्र भारत में बहुत पूर्व से विद्यमान रहे हैं
जब यूनानी यात्री मेगास्तनीस भारत में 302 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में आए थे तो उन्होंने भारत में गणतंत्र को देखा था और अपनी पुस्तिका इंडिका में इसकी चर्चा भी की थी। इसी तरह गौतम बुद्ध जी के काल में भी वैशाली में गणराज्य का स्वरूप मौजूद था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में आपने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का समावेश करते हुए एक आधुनिक, मजबूत, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी है। इस क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो हमारे मौजूदा संसद भवन है वह 93 वर्ष पूर्व एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया था। जब इसकी कल्पना की गई और जब इसका निर्माण हुआ, तब कभी भी इससे स्वतंत्र भारत के बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अनुसार नहीं सोचा गया था। हमारे वर्तमान संसद भवन में विधायिका के संचालन में हमेशा से बड़ी परेशानियां आती रही हैं, जिन्हें पूर्व के सभापतियों द्वारा रेखांकित भी किया गया था। वर्तमान संसद भवन को संशोधित कर इन कमियों को दूर करने का पर भी विचार किया गया, लेकिन हमने ये पाया कि जब देश में सांसदों की संख्या 2026 के बाद बढ़ने की भी संभावना है, तो वर्तमान संसद एक नए भारत की जरूरतों को कभी परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय श्री ओम बिरला जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने 2019 में नए संसद भवन को लेकर एक संसदीय संकल्प भी पारित कराया, जिसका आज परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे अग्रसोची प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरत को पहचाना और नए भारत के लिए एक नवीन, अनूठे और प्रभावी संसद की परिकल्पना की। ये भवन एक आत्मनिर्भर भारत के आपके संकल्प का भी एक वस्तुत्व रूप होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके निर्णायक नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना का शुभ आरंभ किया जा रहा है। ये मेरे स्वयं के लिए एक बहुत हर्ष और संतोष का विषय है कि मुझे इस गौरवशाली राष्ट्रीय परियोजना में एक छोटा सा हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इस परियोजना को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा करेंगे, जिससे कि वर्ष 2022 के संसद की शीतकालीन सत्र नए भवन में ही हो। वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि इस वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी। प्रधानमंत्री जी, आने वाली पीढ़ियां आपको आपके निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व का की निरंतर प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये नया संसद भवन विश्व के न सिर्फ सबसे विशाल बल्कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र का भव्य और उपयुक्त मंदिर भी होगा। दिस विल बी द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ नॉट ओनली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बट ऑल्सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद एंड ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू हैव सेंट देयर ब्लेसिंग्स। आई कॉल अपॉन डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह टू काइंडली रीड देयर मैसेजेस।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, इस ऐतिहासिक, पुनीत, यादगार, चिर प्रतीक्षित अवसर पर मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। उपराष्ट्रपति जी, माननीय चेयरमैन राज्यसभा का संदेश पत्र का अंश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। आई एम होपफुल दैट योर ट्रांसफॉर्मेटिव विजन द सत संकल्प विल गेट ट्रांसलेटेड इनटू सिद्धि एंड इन द न्यू पार्लियामेंट द कंट्रीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विल फाइंड अ कंजेनियल स्पेस टू डिबेट पब्लिक इशूज इन ए कलिजियल मैनर। वी कंसोलिडेट एंड बिल्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट्स माई फर्वेंट होप दैट द न्यू पार्लियामेंट will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic roots and propel it in onto a faster, sustained, inclusive development trajectory. It should become a forum for building upon the ancient Indian traditions of debates and dialogues, arguments and agreements, analysis and synthesis, with a view to improving the quality of polity and the quality of life of every citizen in the country. Mahamahim Rashtrapati ji ka sandesh, Adaraniya Pradhan Mantri ji ke naam. It's my immense pleasure to extend hearty congratulations to you on this historic moment of laying the foundation stone for a new Parliament House. It's indeed a momentous milestone in the journey of our strong and vibrant democracy. In the process, the past will not be discarded. The heritage, if anything, will have a better chance of conservation. The new building will stand alongside the present Parliament House in harmony, joining our past with the future in seamless manner. I am glad to note that the design and interiors of the new Parliament complex have been planned to capture the richness and diversity of our regional arts, crafts, textiles, architecture and culture. Thus, it will be an expression of unity in diversity of our traditional ethos as well as values of the new India. As the new building, a new symbol of our national identity, is expected to be completed in 2022, it will be a truly monumental gesture for the nation celebrating 75 years of its independence. I compliment you for undertaking this project of such a scale and significance. My best wishes for the successful building of the new Parliament House, which will stand out as a creation of 135 crore Indians and will further cement India's place as the biggest and most inspiring democracy in the world. Shilanyas ke shubh avsar par, is yadgar avsar par, Purv Pradhan Mantri Adaraniya Manmohan Singh ji ne और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एचडी देवगौड़ा जी ने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। साथ ही अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने नए संसद भवन के फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, बधाई संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मान्यवर, अब मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, वर्चुअल माध्यम से देश और विश्व के सभी जुड़े मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ संसद के नए भवन के शिलान्यास अवसर पर मैं समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की 70 वर्ष की यात्रा में भारत के नागरिक न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के प्रति
संकल्पित रहे हैं। हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में हुआ है, जिसे अब 93 वर्ष हो चुके हैं। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं की प्रतीक है। संसद भवन देश की आज़ादी, संविधान की रचना और अनेक ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण की भी साक्षी रही है। लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने संसद और सांसदों का उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की ये इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े कार्यशील एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हो, जो भारतीय संस्कृति को की विविधता को समेटते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पिछले साल 5 अगस्त को संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। हमारा देश लोकतंत्र के लिए परिपक्व हो चुका है। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया आधुनिक भवन मिले। माननीय सांसदों एवं सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी और आज वह शुभ दिन आया है जब उनके कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों की भावनाओं का सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीकी युक्त, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे, जहाँ जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को कुशलता और दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूँ, जिनके आशीर्वचन तथा प्रेरणादायी संदेश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज नए आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की संसद के नए भवन की नींव रखी है। मेरी कामना है ये भवन पूरे विश्व को अनादिकाल तक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श संदेश देता रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। मान्यवर, भारत का लोकतंत्र और हमारी संसद समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और मजबूत हुए हैं। नया संसद भवन न्यू इंडिया के आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करेगा। हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ साथ भारत की विविधता और उद्यमिता का प्रतीक होगा। We present before you a short film on the new Parliament building. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय।
मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, पर ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा, और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी, मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1,272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास। शान, वैभव और भव्यता का परिचायक होगा नया संसद भवन, जिसकी आवश्यकता तो लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन इसे बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी, परिवर्तनकारी और निर्णायक कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया। आपके मार्गदर्शन में बनाने वाला नया संसद भवन संकल्प से सिद्धि का, न्यू इंडिया एट 75 के विजन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस शुभ अवसर पर मैं परम श्रद्धे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े अनेक देशों के पार्लियामेंट के स्पीकर्स, यहां उपस्थित अनेक देशों के एम्बेसडर्स, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मेंबर्स, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यही बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही गहरी अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन साथियों संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो
दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का यह भवन अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है, बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यही निकट में ही इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सके। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है बल्कि 21वीं सदी की दुनिया
भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। साथियों, लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को जानना समझना बहुत आवश्यक है। हम देखते सुनते हैं दुनिया में 13वीं शताब्दी में रचित मैग्ना कार्टा की बहुत चर्चा होती है। कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में, 12th century में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसवेश्वर जी ने कहा था, ये अनुभव मंटप जनसभा नादिना मट्टू राष्ट्रदा उन्नति के हागू अभिवृद्धि के पुरगाव की केलसा मादत था दे, यानी ये अनुभव मंटपम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था। साथियों, इस कालखंड के और पहले जाएं तो तमिलनाडु में चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरामेरूर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, 10th century, और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुडुम में कैटेगराइज किया जाता था, जिनको अगर आज की भाषा में कहना है तो हम आज उसको एक वार्ड कह सकते हैं। उन कुडुम्बों से एक एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था, और जैसा आज भी होता है। इस गांव में हजार वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी वो आज भी वहां मौजूद है। और साथियों, 1000 वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उस पत्थर पर लिखा हुआ है, उस शिलालेख में वर्णन है इसका, और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में। और नियम क्या था? नियम यह था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने सालों पहले, सोचिए कितनी बारीकी से उस समय पर हर पहलू को सोचा गया, समझा गया, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा बनाया गया। साथियों, लोकतंत्र का हमारे इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने कोने में नजर आता है। कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं, सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावली
हमारे मन मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। सदियों पहले शाक्या, मल्ला और वेज्जी जैसे गणतंत्र हो, लिच्छवी, मल्लक, मड़क और कंबोज जैसे गणराज्य हो, या फिर मौर्य काल में कलिंग, सभी ने लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानी समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में देखा गया है। साथियों, आम तौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। साथियों, भारत के लोकतंत्र में समाही शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ाते हुए देख रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। साथियों, इस विश्वास की, इस आस्था की वजह है भारत में लोकतंत्र हमेशा से ही गवर्नेंस के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सशक्त करते हैं। डिफरेंसेस के लिए हमेशा जगह हो, लेकिन डिस्कनेक्ट कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर
हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए, यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इसकी भावना से ही होना चाहिए। हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हो, यह बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है, तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है। कारीगर शिल्पकार सभी के परिश्रम से मंदिर के भवन का निर्माण पूरा होता है, लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है। साथियों, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधान विधान भी नहीं है, विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार विचार व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहां राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है,
एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले कल में जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे, उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा। इसका लाभ देश के कोटि कोटि जनों को होगा। संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जन कल्याण का काम करेगी। साथियों, 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। बदलते हुए विश्व में भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर का हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन अवसरों को हमें हाथ से निकलने नहीं देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों से सीखे और उन अनुभवों की सीख हमें बार बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है। साथियों, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात मैं जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम, भारत माता की आराधना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत। इसके ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है, हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उस आह्वान को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए, हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने तो
50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25-26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है, जब देश वर्ष 2047 में 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, इस 25-26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है। जब हम आज संकल्प लेकर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। साथियों, हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की एकता अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश के संविधान की मान मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति जीवन का सबसे बड़ा देय होगी। हमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की यह भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी? गुरुदेव कहते थे, एकोता उत्साहो धरो, एकोता उत्साहो धरो, जातियों उन्नति करो। दुशुक भुवने शोभे भारतेर जॉय, यानी एकता का उत्साह थामे रहना है, हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2047 के संकल्प के साथ पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका हृदय से आभार। अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते मां भारती की सेवा में समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में बनने वाला नया संसद भवन विश्व की ललाट पर दमकते भारत के लोकतंत्र को समर्पित है, जो भारत सर्वोपरि का जो नारा आपने दिया उसे मूर्त रूप भी देगा। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी का नमस्कार। आज का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय दिन है। हमारा देश के नया संसद भवन का भूमि पूजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। देश के उन्नति व देशवासियों का कल्याण के लिए सदैव काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस नया भवन का निर्माण के लिए संसद के द्वारा निर्णय लिया गया था। मुझे खुशी है कि आज इस काम का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूं और आपके उद्बोधन भाषण के लिए भी
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। इस चारित्रिक समारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति अपने शुभकामना व्यक्त की है, उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस सभी काम में माननीय सभापति लोकसभा, स्पीकर लोकसभा श्रीमान ओम बिरला जी बहुत परिश्रम किया है, उनके नेतृत्व में निर्णय भी किया गया था, राज्यसभा में भी माननीय वेंकैया जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया था, इसलिए मैं माननीय ओम बिरला जी को और माननीय वेंकैया नायडू जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद समर्पित करता हूं। और इस सभी कामों में हमारे माननीय हरिवंश जी उपसभापति राज्यसभा हमको सब मार्गदर्शन दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी को और वरिष्ठ नेतागण जो इधर बैठे हुए सबको मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और विविध राज्यों के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्रीगण वर्चुअली उपस्थित हुए हैं और वो सभी शुभकामनाएं ही हमको भेजा है, उसके लिए मैं उन सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूं। और इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हमारा सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद समर्पित करते हुए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत सुचारू रूप से अरेंजमेंट किया है, मैं उनको भी धन्यवाद समर्पित करते हुए मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूँ यह ऐतिहासिक निर्णय के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। नए भवन के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में पुरातन और नूतन के सह अस्तित्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य हुआ तो नया भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री इस समय बातचीत करते हुए साथ में गरिमामयी उपस्थिति श्री ओम बिरला स्पीकर लोकसभा, श्री हरिवंश सिंह डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, आशा है भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर सन 2022 में संसद का सत्र नए भवन में आयोजित होगा। 2 ವೀಕ್ಷಕರೆ, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.